अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ठीक हो ना? पैर ठीक है तुम्हारे? तो तुम फेरे तो ले ही सकते हो, पर हाथ में चोट है, दर्द होगा तो मैं मंगलसूत्र बनाने में हेल्प कर दूंगी। लेकिन ठीक, शादी क्यों नहीं हो रही है? शादी क्यों नहीं हो सकती ऋषि? ऋषि शादी क्यों नहीं, क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं हो सकती शादी? लक्ष्मी की शादी नहीं हुई तो तुम मेरी शादी नहीं करने दोगे? मतलब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती? इज दिस फेयर? ये सही कर रहे हो क्या तुम? मतलब अगर लक्ष्मी मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा? चुप रहो तुम। अनुष्का, ऐसी बातें दोबारा मत करना। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? ऐसी बातें क्यों ना करूं? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे लिए तो ये मरने के बराबर है ना। ये तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे लक्ष्मी से नफरत है। कैसे दुश्मन ना मानूं मैं उसे? आज उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। तो दुश्मन नहीं मानूं तो क्यों मानूं ऋषि? I'm telling you ऋषि, अगर ये शादी कैंसिल हुई, पोस्टपोन हुई या रुकी, तुम सोचते हो? एक सेकंड, तुम चाहती क्या हो? कि ये शादी कभी ना हो, या फिर तुम ये चाहती हो कि ये शादी पोस्टपोन हो जाए और कुछ टाइम के बाद हो जाए? क्या चाहती हो तुम? भाभी, क्या हुआ? आप यूं मुस्कुरा क्यों रही हैं? I mean to say, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप यूं स्माइल करते हुए देखकर, पर क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रही? करिश्मा, ये लक्ष्मी ना बहुत ही चालाक लड़की है। तुमने देखा अभी, वो घर छोड़कर जा रही थी। लेकिन करिश्मा, लक्ष्मी घर छोड़कर इस तरीके से जा रही थी कि कोई उसे देख ले और रोक ले, और देखो मम्मी जी ने रोक लिया उसे। एज यूजुअल, वही चालाकी और वही महान बनने की कोशिश। वो सिर्फ मम्मी जी की नज़रों में महान बनना चाहती थी, उन्हें दिखाना चाहती थी कि वो तो खुद ये घर छोड़कर जाना चाहती। गॉड, किस लेवल की चालाक और शातिर है वो लड़की। आई नो भाभी, मुझे तो लग रहा था हमारा सिर दर्द कम हो रहा है कि वो खुद ही घर छोड़ के जा रही है, पर उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना करिश्मा। उसे बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना। कहा ना हमने तुमसे, वो बहुत शातिर है, और हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, इतनी शातिर लड़की ने हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस घर से चली जाए। क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बांध रही हैं आप इस लड़की से? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके भाग्य में ही नहीं लिखा है शादी करना? उसने कहा कि मैं क्या चाहती हूँ कि या तो मैं ये शादी हमेशा के लिए कैंसिल कर दूं, या फिर ये शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन। अगर मेरी शादी ऋषि से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब नहीं रुकूंगी मैं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मान सम्मान, ना ऋषि का प्यार, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। बस ऋषि ठीक रहे, खुश रहे, इस घर के रिश्ते ना बिखरे। अगर ऋषि और मलिष्का एक दूसरे के लिए बने तो उनकी शादी होनी ही चाहिए। इसीलिए मैं इस घर से चली जाऊंगी, यही सही है। अब रुकूंगी भी नहीं, मैं दादी के बोलने से भी नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी यहां से हमेशा के लिए। सब सो रहे होंगे अभी, दादी के रूम में चिट्ठी रख के अभी निकल जाती। आप बहुत अच्छी हो दादी, मुझे सच में आपकी बहुत याद आएगी, आपने इस घर में मुझे बहुत प्यार दिया। Thank you.
आपने और बाऊजी ने कभी पराया महसूस नहीं होने दी। मुझे सच में इस घर की बेटी माने, वही मान सम्मान दिया जो इस घर के किसी भी सदस्य को मिलता। पर मेरा आप लोगों के साथ रहना बस इतने ही टाइम के लिए था। मैं दूर जा रही हूँ आपसे। मुझे पता है आपने मना किया था, फिर भी जा रही हूँ बिना पता। प्लीज मुझे माफ कर देना, बस अपना आशीर्वाद रखना मेरे साथ और भाऊजी को भी बोलना, क्योंकि लक्ष्मी इस घर से सिर्फ वही लेके जाएगी। बस आप अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम पे ले लेना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस घर से चली जाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर इसके भाग्य में ही नहीं लिखा है शादी करना। अगर मेरी शादी ऋषि से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।